प्रधानमंत्री मोदी से एक महिला पत्रकार ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पूछा था, जिसके बाद भारत में राइट विंग से लेकर गोदी मीडिया के पत्रकारों को काफ़ी बुरा लगा, जिसके बाद से उस महिला पत्रकार को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। अब इसके बाद दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ ने इस महिला पत्रकार को समर्थन दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम करने वाली इस महिला पत्रकार का नाम सबरीना सिद्दीकी है। इनके सपोर्ट में संघ ने ट्वीट किया और बताया, प्रेस की आज़ादी किसी भी लोकतंत्र की पहचान होती है, वह अपना काम कर रही है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान सबरीना ने उनसे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकार, भारत के लोकतंत्र और मीडिया की आज़ादी से जुड़ा सवाल किया था। सवाल करने के बाद से सबरीना को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, उन्हें पाकिस्तानी बताया गया। बीजेपी नेता और आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने भी सबरीना के सवाल को प्रोपेगेंडा बताया। वहीं इंडियन अमेरिकन्स नाम के एक ट्विटर हैंडल ने सबरीना को पाकिस्तानी इस्लामिस्ट बताया और कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर पीएम मोदी से ऐसे सवाल किए। आरोप लगाते हुए कहा कि सबरीना ने पाकिस्तान में वहां की महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर कभी भी कुछ नहीं बोला है, वो सिर्फ भारत के बारे में गलत बोलती हैं और नफरत पाकिस्तानियों के डीएनए में है। इस सब के बीच खुद सबरीना ने ट्रोल करने वालों को जवाब दिया और दो फोटो ट्विटर पर पोस्ट किए, जिसमें सबरीना अपने पिता के साथ 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच देख रही हैं और दूसरे पिक्चर में इंडियन जर्सी में नज़र भी आ रही हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सबरीना सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी में उनके लिए व्हाइट हाउस रिपोर्टर हैं, जहाँ वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को कवर करती हैं। 2019 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में शामिल होने से पहले उन्होंने गार्जियन अखबार के लिए व्हाइट हाउस और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को कवर किया था। सिद्दीकी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और फिलहाल अपने पति के साथ अमेरिका के वाशिंगटन में रहती हैं।